दोस्तों गायनेकोलॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों प्रेसों के ऊपर आपने एक साइड ब्रेक लगी हुई तो देखी होगी, छोटी प्रेसों के अंदर कास्टिंग की ब्रेक होती है और जो थोड़ी बड़ी प्रेसें होती हैं उसके अंदर इस तरह से लेदर लगे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये लेदर ख़राब हो जाते हैं, चलते चलते घिस जाते हैं, तो उनको निकाल के चेंज करना पड़ता है। किस तरह से चेंज करते हैं तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। तो देखिए ये ब्रेक लगी हुई है और एक ब्रेक हमने उखाड़ दी और ये ब्रेक चलते चलते देखिए रिप्टों तक घिस गई है। यहाँ तक अगर घिसेगी तो उसके बाद जो हमारा व्हील है उसको भी ख़राब कर देगी, जिसके ऊपर ये फिट की हुई होती है। और इसकी गुर्जिंग थोड़ी कम हुई थी इसलिए ये ज़्यादा ब्रेक अभी पड़ी थी लेकिन ख़राब होगी। ये देखिए ड्रम इसने ख़राब कर दिया, ये जिसके अंदर घूमता है इसके ऊपर ये क्लंप करके रखी होती है, तो ये ब्रेक है तो ये घिसना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर ये अगर झीरी पड़ गई तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और ये हमारे पास ब्रेक लेदर है, ये रोल किए हुए हैं, लंबे हैं, इसमें से काट के हम अभी आगे जाके लगाएंगे। और ये कुछ रिप्टें हैं जो इसके साथ हम यूज करेंगे, आप कॉपर के रिप्टें भी यूज कर सकते हैं और दूसरी रिप्टें भी यूज कर सकते हैं एल्युमिनियम की भी। तो अभी हमने पीस काट ली है, काटने के बाद अभी हम इसके ऊपर इसको माउंट करेंगे। तो इस तरह से पूरा पीस काटने के बाद हम इसको एक क्लैंप करेंगे सी क्लैंप से, तो इस तरह से क्लैंप करके हम इसके अंदर सुराख मार देंगे, क्योंकि ये पूरा गुड़ाई में होने के कारण इसके अंदर थोड़ा गुर्जिंग करना दिक्कत करेगा। तो अभी हम इसके अंदर सुराख मार लेंगे, इस तरह से आपने ड्रिल के साथ सुराख मार लेने हैं जितने भी हैं। तो सी क्लैंप से अच्छी तरह से इसको बांध लें ताकि आपके सुराख हैं जो मिसमैच ना हो, तो जहाँ पर आपको चाहिए वहीं पर सुराख लगने चाहिए। और बैक साइड से इस लोहे की पत्ती के अंदर सुराख हैं तो उसके अंदर से हमने आर पार जो सुराख हैं तो इस तरह से आपने कर देने। जब आपके सुराख पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम इस लेदर को निकाल लेंगे, निकालने के बाद और ये वाली रिप्टें इसके अंदर से लगाएंगे। और जो हमारा लेदर है तो उसके अंदर अभी हम गुर्जिंग करके ले आए हैं ड्रिल मशीन पर, तो इस तरह से रखने के बाद तो ये रिप्टें सारी ये इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे। जब आपकी रिप्टें इस तरह से पूरी लग जाएं तो उसके बाद आप इसको जब मशीन के ऊपर फिट करेंगे तो हल्का सा इसको तेल ज़रूर लगा दें, जल्दी से ना कटे। और रिप्टें देखिए कितनी गहरी की हैं हमने ताकि अगली बार प्रॉब्लम ना आए। और ये ड्रम है जो हम इसको अभी हम थोड़ा रिपेयर करेंगे, बाहर निकाल के भी आप थोड़ा कट लगा सकते हैं या फिर आप ग्राइंडर की मदद से इस तरह से इसको थोड़ा पॉलिश कर दें ताकि ये हमारे ब्रेक लेदर को कटे ना। तो इस तरह से आप ब्रेक लगा सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। प्रेसों के हर एक पार्ट की वीडियो मेरे चैनल